हे गाइस, तो लास्ट एपिसोड में अपन ने अपग्रेड किया था अपने शोरूम को, और आज मैं अपग्रेड करने वाला अपने बिजनेस को। अभी मेरे पास में 10 लाख है, मुझे आज इसे कन्वर्ट करना है लगभग 30 लाख में। उसके अलावा मेरे पास में 2 स्पोर्ट्स कार भी है, एक है निसान GTR स्काईलाइन और दूसरी है डॉज वाइपर। ये रेगज मेरी निसान स्काईलाइन। अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों कारों को सेल भी करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों कारें मैंने फर्स्ट टाइम बाई की। पता नहीं मुझे इन पर कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इनकी प्राइस मुझे पता नहीं, इनकी रियल प्राइस कितनी, इसलिए मैं अभी इनको सेल पे लगाने वाला हूँ। पहले मैं निसान GTR स्काईलाइन को लगाता हूँ। 2,60,000 में मैंने बाई की स्काईलाइन को, तो अपन इसकी प्राइस लगाएंगे 4 लाख। 4 लाख लगाते ज़्यादा नहीं लगाते, स्टार्टिंग में ज़्यादा प्राइस लगाना ठीक नहीं होता है। 4 लाख लगा के देखते हैं ये क्या बिक पाएंगी, इतने में क्या इसमें इतना दम है। वैसे कार तो काफ़ी विंटेज है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ गाइज विलेज में, विलेज से 1-2 कार उठा के लेके आते हैं, क्योंकि अपने को अपना बिजनेस बढ़ाना है, आज बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो अभी मैं सीधा विलेज में जाने वाला हूँ, और विलेज में मुझे 2-3 कार तो मिलनी चाहिए गाइज। लास्ट टाइम मुझे मिली थी ये डॉज वाइपर मिली थी, जिसको मैंने लगभग 5-6 लाख में बाय कर रहा था। तो महंगी कार है गाइज, महंगी तो है, पर मुझे पता नहीं है कितने में बिकेगी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी बेचा नहीं है। तो इसको भी अपन बेच के देखेंगे आज की कितने में बिकती है। उसके अलावा गाइज मुझे आज बाय करनी एक लैम्बोर्गिनी। एक बार मैंने बाय ज़रूर की थी, मगर गलती से मैंने सारे, मतलब आपको पता ही क्या हुआ था। तो ठीक है, एक और बार मुझे आज एक लैम्बोर्गिनी बाय करनी है, बट कोशिश करेंगे कि मैं बाय कर पाऊँ। वो उसकी प्राइस कितनी होती है, 25 लाख तो होती है, 25 लाख, 30 लाख तो होती है। तो करेंगे आज अपन उतने डॉलर आज जमा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज फुल कॉन्फिडेंट में हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या विलेज में पहुँचने वाला हूँ, विलेज में कौन कौन सी कार आ रही है पता नहीं, आज कोई सस्ती कार मत बता देना बस। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या सस्ती सस्ती कारें दिखाई दे रही, पीछे मुझे एक ऑडी RR दिखाई दे रही है। तो मैंने ऑडी RR काफ़ी दिनों से बाय नहीं की, ट्राई करते आज अगर मिलती है ना, मेरे बजट में मिलती है ना सही कीमत में, तो अपन इसको बाय कर लेंगे। ओके मैडम, ऑडी RR की कितनी प्राइस है, 1,82,000 बोल रही है, ज़्यादा बोल रही आ रही है, 1,60,000 से ज़्यादा तो नहीं दे सकता मैं। 1,60,000 सही प्राइस दिया, ठीक है लास्ट ट्राई करते इस पर। 1,65,000 ऑडी RR इतने तो महंगी नहीं यार, ठीक है नहीं बोल रही है बंदी, जाने दो भाई को, अपने को नहीं चाहिए। अपन कोई और कार ट्राई करेंगे यहाँ से विलेज में, और एक आधी मुझे डॉज वाइपर मिल जाए ना तो सही रहेगा। ये वाले गली में तो नहीं, मगर सेकंड वाली जो गली ना वहाँ पे हो सकती है, देखते अगर कोई मिल जाती है ना तो मज़ा आएगा यार। बट एक ही मेरे पास में, और एक मिल जाए ना तो ठीक रहेगा। वैसे यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रही है, BMW खड़ी है और ऑडी है वहाँ पे, और यहाँ पे देखते। ओके वहाँ पे देखो मुझे एक मुस्टैंग GT नज़र आ रही, तो इसको बाय कर सकते हैं अपन। देखते इसकी प्राइस कितनी, 76,000, तो अपन इसको ऑफर करते 70,000। एकदम सही प्राइस दे रहा हूँ मैं तुझे, अबे सही दे रहा था यार, नहीं बोला है बंदा, तो 76 भी सही है। ठीक है बाय कर ले इसको, बहुत ज़्यादा डैमेज है, इतनी ज़्यादा डैमेज है, बाय तो कर लिया। 1 लाख में मैं बेच दूंगा उसको, मुझे पता है 1 लाख के आसपास तो बेच ही देंगे। थोड़ी अभी निकलते गए, वैसे और कोई तगड़ी कार यहाँ पे दिखाई तो दे ही नहीं रही है। क्या करते गज, अभी क्या नेक्स्ट डे हो गया ना, तो अभी क्या कार मार्केट ओपन होने वाला, तो अभी क्या करते यही से ना न्यूटन मारते, और यहाँ से एक शॉर्टकट वाला जो रास्ता है ना वहाँ से सीधा जाते कार मार्केट में, और कार मार्केट में कोई ना कोई कार तो आ रखी होंगी, कोई ना कोई तगड़ी कार चाहिए। वैसे कार मार्केट में ना वही कार आती है जो यहाँ पे विलेज में होती है, पर कभी कभी ना एक आधी बढ़िया वाली कार भी आ जाती है, सही प्राइस में मिल भी जाती है। कार मार्केट में क्या है, कभी कभी ना लो प्राइस में मिलती है अपने को कार। अभी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कार आ रखी है। वैसे अपन कोई सस्ती कार तो बाय करते नहीं है, यहाँ पे क्या फरारी है, क्या होंडा है, तो ठीक है ओके। यहाँ पे एक और निसान स्काईलाइन है, तो इसको अपन बाय कर सकते हैं, इसकी प्राइस चेक कर लो ये कितनी है। तो निसान की प्राइस है 2,71,000, इतनी महंगी कैसे होगी यार ये। ठीक है हो गई तो हो गई, अपने को क्या है, अपन बाय करेंगे अगर अपने को मन हुआ, अपने बजट में होगी ना तभी बाय करेंगे। ठीक है यहाँ पे एक BMW भी खड़ी है। ओके भाई साहब कितने में दोगे, अगर सही प्राइस में मिलती है तो दे दो यार, 71,000 महंगा बोल रहा है यार। ठीक है 55,000 में बाय की थी यार इसको मैंने, अभी देखो इतनी महंगी हो गई। ठीक है नहीं चाहिए हमको, 71,000 नहीं चाहिए, कोई और कार ट्राई करेंगे अपन। तो वैसे इतनी बढ़िया बढ़िया कार आ भी नहीं रही यार, यहाँ पे हुंडा दिख रही है मुझे, हुंडा है क्या फरारी है, हुंडा ही लगता। ठीक है कौन सी, ओके ठीक है हुंडा ही, तो इसकी नहीं यार ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें ना कभी मुझे फ़ायदा नहीं होता, लॉस हो जाता है इसको, अगर मैं बाय कर लूँ ना लॉस में चले जाता हूँ। अभी कोई विंटेज कार है क्या, वैसे सारी कार तो सस्ती सस्ती कार है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्काईलाइन को ट्राई कर लेते हैं, इस पर थोड़ी बार्गिंग करके देखते क्या ये बंदी अपने को सही प्राइस में दे सकती है। अपन इसको ऑफर करेंगे 2,50,000, फाइनल है 2,50,000 फाइनल है। ओके दे दी भैया 2,50,000 में दे दी, अच्छी कार बाय कर लिया अपन ने। अभी क्या करते सीधा निकलते हैं अपने शोरूम पे, अभी क्या करना है उस कार को थोड़ा रिपेयर वपेयर करवाना है, और उनको लगाना है सेल पे, और डॉज वाइपर को भी सेल पे लगाएंगे। अभी धीरे धीरे सभी कार अपने को सेल करना है, और उसके बाद में कल क्या है, कल नहीं क्या कार ऑक्शन होने वाला, कार ऑक्शन से भी अपन 1-2 कार तो उठाए लेंगे आराम से, क्योंकि डॉलर बहुत है यार, डॉलर की कोई कमी नहीं है। तो अभी मैं अपने शोरूम पे आ गया, और मैंने जो एक पहली कार लगा के रखी थी सेल पे स्काईलाइन, तो देखते इसकी प्राइस कितनी मिलती है अपने को। दो दो के मैडम रुको ना, किधर चली गया रहो मैडम,
ठीक है मैडम, आप बोलो आपको कितने में चाहिए ये कार। बहुत तगड़ी, ओके 331,000 बोली है बंदी, मतलब मैंने 260,000 में बाय की थी, यानी कि फिर भी 70,000 एक्स्ट्रा बोली है बंदी, मतलब प्राइस तो सही मिली। दे दूँ क्या इसको मैं? तो वैसे भी अपने पास इतना टाइम नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ दे देता हूँ। ठीक है, 70,000 का फ़ायदा होगा, पता है क्या, सीधे सीधे 70,000 का फ़ायदा है, मतलब तगड़ा फ़ायदा तो हुआ यार, मतलब इतना भी बढ़िया फ़ायदा नहीं। मैंने थोड़ा वेट करता था ना, और ज़्यादा महंगे में बेच सकता था, बट मेरे पास में एक और है गाड़ी अभी जो मैंने विलेज से बाय करके लाई ना, इसको सेल पे लगाएंगे ना तब मजा आई है। ये कितने में बिकती, ये महंगी बिकेगी, ये और भी ज़्यादा महंगी बिकेगी, क्योंकि आप वैसे डैमेज है, थोड़ी डैमेज नज़र आ रही है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रिपेयर करवा के लाते हैं। मुझे क्या लगा था, न्यू कंडीशन में बढ़िया, थोड़ी डैमेज है, अब इसको रिपेयर करवा देते हैं, इस पर थोड़ा मॉडिफाई करवाते हैं, तब बिकेंगे महंगे में। 400,000 में तो इसको मैं बेच ही दूंगा, अभी इतने महंगी नहीं बिकेगी, फिर भी 3,00,000 to 3,50,000 में तो बिकनी चाहिए, 3,50,000 उसके आसपास तो बिकनी चाहिए। अभी ये वाले बंदे को 4,000 दे दिए मैंने, मतलब थोड़ा खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया, 4,000 इस बंदे ने लूट लिए। ये बंदा मस्त कमाई करता है, पता है क्या, इधर आता है कार ऊपर उठाता है और कुछ कुछ करता है और 4,000-5,000 लेके चले जाता है। ठीक है बेटा, हम भी अपना खुद का शोरूम बना लेंगे, मतलब शोरूम तो अपने पास में, उसके बगल में मैं खुद का गैरेज बना लूँगा ना, इधर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, गैरेज भी बनाना चाहिए अपन ने, क्योंकि इधर आओ कार रिपेयर करवाओ फिर ऐसा वैसा करते बैठो, इसको पैसे दे तो बैठो, इतना टाइम नहीं होना चाहिए अपने, और सीधा अपन यहीं पर गैरेज बनवा लेंगे और फिर अपने को टेंशन नहीं होगा, कार लाओ और बस रिपेयर कर दो और सीधा सेल पे लगा दो। ओके क्या, तो अभी मैंने इस कार को यहाँ पे पार्क कर दिया, अब इसको सेल पे लगा दे, तो मैंने इसको 2.5 लाख में बाय किया है, तो ये 3 लाख के ऊपर तो भी गया है, इसको लगाते अभी 4,20,000, उसको मैंने 4 लाख में लगाया था, इसको 4,20,000 में लगाए, 4 लाख के आसपास लगभग 3,50,000 में अगर बिक जाए ना, 1 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, 1 लाख का फ़ायदा क्या मुझे हो सकता है। ओके ठीक है, एक मैडम आ रखी है, ओके मैम आपकी प्राइस कितनी है, 2,47,000, अबे इतनी इससे ज़्यादा तो महंगी मैंने लेके आई है, कहाँ से ही है मैडम पता नहीं, इतनी सस्ती प्राइस बोल रही यार वो बंदी, मजाक कर रही थी कि इधर आके, वो बंदी को समझा दो यार, आज मैं कोई सस्ती कार बेचनी ना, इतनी सस्ती प्राइस बोल रही वो, तो ठीक है अभी इसको लगाते अपन। ओके इसको 1,10,000 लगाते, मुस्टैंग जीटी है, इतनी सस्ती कार नहीं, महंगी कार है, बहुत महंगी में बिकती है, 1 लाख में तो बिकनी चाहिए, बट अपने स्काईलाइन कितनी महंगी बिकी पता नहीं, बट अभी कस्टमर आए नहीं। ओके एक सर आ गए, ओके भाई साहब बोलो कितनी प्राइस आपकी, आप कितनी, ओके 3,12,000 ये बंदा देने के लिए अपने को तैयार है, पर अपन इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई करेंगे, 3,30,000, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं कर, ओके बिक गई, आराम से बिक गई, कमाई तो हो रही है, कमाई बहुत तगड़ी हो रही है आज, पैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, फटाफट आ रहे। ठीक है तो एक बंदा आ गया, तो इसको देखते कितने बोलता है ये, ओके 90,000 तो बोलेगा, ये कितने बोलेगा, अबे 73,000, अबे निकल जा तेरे साथ, तो बार्गिंग भी नहीं करूँ यार मैं, ऐसे कहाँ से आ रहे हैं, इन लोगों को समझा दो, पीछे एक बोर्ड लगा दूँ क्या, आज कोई सस्ती कार नहीं बेच रहा हूँ मैं, ऐसा लगा दूँ क्या वहाँ पे बोर्ड, ये लोग नहीं इतनी कम कम प्राइस वाले किधर से आ रहे पता नहीं। ठीक है अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, और कोई कस्टमर आ जाए तो सही रहेगा, तो ये बंदा अभी तो गया नहीं, यहीं पर टाइम पास कर रहा है क्या। और एक बात कहते यार, आप लोगों से मैं थोड़ा नाराज हूँ, मतलब वीडियो तो इतनी सारी लोग देख रहे बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो यार जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी कर दो यार, कमेंट कर दो यार, आप कहाँ से हो या फिर आपका नाम कुछ भी कमेंट करो यार। ठीक है अभी क्या करता हूँ मैं, विलेज में आ गया हूँ, तो ठीक है यहाँ से एक और मुस्टैंग, कितनी मुस्टैंग बाय करूँगा यार मैं आज, इसमें फ़ायदा हो रहा है तो मैं बस बाय करते जा रहा हूँ तो अभी देखो एक और मुस्टैंग बाय कर ली, इस पर खर्चा लगने वाला है यार, क्योंकि यार डैमेज है यार, थोड़ी तो डैमेज है, मतलब अच्छी खासी डैमेज लग रही है, देखो पीछे का पूरा बोनट इसका टूटा फूटा है, ऊपर से भी थोड़ा डैमेज हो रखी है और अंदर से पता नहीं कितनी डैमेज होगी। अभी क्या करते, जो रास्ते में जो घर होते हैं ना, वहाँ पर कोई कार मिल जाना सही रहेगा, अभी मैं यहाँ से इसी ले जा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कार होनी चाहिए, वहाँ पर एक ऑडी दिखा सस्ती वाली, अभी देखो ये सस्ती सस्ती कार है यार, यहाँ पे क्या होता है कभी नहीं क्या, कभी कभी आती है अच्छी कार वरना ऐसी सस्ती सस्ती कार होती है। तो ठीक है अभी क्या करते हैं, सीधा शोरूम पे जाते हैं, नहीं उससे पहले गैरेज पे जाना पड़ेगा, इसको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा यार, तो ओके ओके तो अभी मैं सीधा शोरूम पे आ गया, क्योंकि अभी एक बंदी आ रखी है अपने इस मुस्टैंग को बाय करने के लिए, और एक और मुस्टैंग में लेके आ गया, तो इसकी प्राइस देखिए कितनी, 83,000 बोली है बंदी, तो मैं इसको ऑफर देता हूँ, दे सस्ते में 90,000, लेके जाओ सस्ते में दे रहा हूँ मैं, अभी 90,000 में दे रहा था इतने सस्ते में, फिर भी वो बंदी नाटक कर रही यार, जाने दो यार इतने सस्ते में क्या ही देना, मतलब इतने सस्ते में दे रहा मैं उसको, फिर भी वो बंदी अलग ही नाटक कर रही है। ओके तो ठीक है अभी क्या करता हूँ मैं, सीधा आ गया हुआ मैं अपने गैरेज पे, मतलब अपना नहीं ये बंदे का गैरेज, अपना अपन बाद में ओपन करेंगे। ओके भाई कितना अभी कितना लूटेगा तू, ओके ज़्यादा नहीं लूट रहा है, 1,200 लूट रहा है, तो ठीक है इतना उतना तो चलता है यार, मतलब ये 4-5,000 मत ले यार, ज़्यादा हो जाते यार वो पैसे, यार हम लोग भी थोड़े गरीब लोग हैं पता है क्या, हम इतने अमीर लोग नहीं यार, थोड़े गरीब लोग हैं, हमसे थोड़े कम पैसे लिया कर, अभी हम अमीर बनेंगे, धीरे धीरे बन रहे हैं हम,
क्योंकि हम अमीर बन जाते थे बट हम हमारी गलतियों से ना गरीब रह जाते। पता है ना आपने हमारे से क्या गलती हुई थी? अपन ने कितने 25 लाख की कार बाय की थी और उसे 2.5 लाख में बेच दिया था, मतलब नुकसान हुआ था यार। चलो ठीक है, वो बात मैं भूल नहीं पाता यार, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे पास करोड़ होते थे, अभी भी मैं लाखों में ही खेल रहा हूँ, मतलब लाखों भी नहीं यार। ठीक है, ओके मैडम आपके लिए ओके 1 लाख की बंदी ऑफर कर रही है। मैं लास्ट टाइम इसको 90,000 में बेच देने वाला था, 1,05,000 में बिकी, यानी कि 15,000 एक्स्ट्रा। मैं इसको 90,000 में बेचने वाला था, पता है क्या? अभी देखो 1,05,000 में बिक गई, महंगे प्राइस में बिक गई। ओके तो अभी मैं एक बार फिर से विलेज में आ गया और सामने क्या है, ओके फरारी F40 है और इसकी प्राइस है 43 लाख। तो ठीक है, औकात से बाहर है, औकात से बाहर है, बट कभी ना कभी तो बाय करेंगे इसको। अभी नहीं करेंगे बट कभी ना कभी तो करेंगे, एक दिन वो भी आएगा कि अपन ये फरारी F40 भी बाय करेंगे। अभी तो जी वैगन से काम निकाल लेते। ठीक है मैडम, आपकी जी वैगन कितनी की महंगी बोली यार ये, 1.5 लाख में तो नहीं बाय करूँगा मैं। उसके पीछे की निसान GTR है, निसान GTR बाय कर लेते। ओके मैडम आपकी निसान GTR कितनी की, 70,000 की, सही प्राइस तो ठीक है, 64,000 में दे दो। ओके दे दी बंदी ने, थोड़ी डैमेज है, रिपेयर करवाना पड़ेगा, रिपेयर करवा लेंगे। बट दूसरी गली में जाके आते हैं, क्या एक आधी कार वहाँ पे है क्या, कोई विंटेज कोई महंगी कार है क्या वहाँ पे? अपने को महंगी कार चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो राइट साइड में एक बहुत ही महंगी टुक टुक खड़ी है 4,000 की, और इस साइड में एक ऑडी R8 है। ऑडी R8 नहीं चाहिए मेरे को अभी, क्योंकि लास्ट टाइम वो बंदी इतनी नाटक कर रही थी। ओके यहाँ पे एक और मुस्टैंग है, कितनी मुस्टैंग बाय करूँगा मैं, इसको भी बाय करने वाला हूँ अगर सही प्राइस में मिलती है तो। 75,000 ये बंदा बोल रहा है, 70,000 ऑफर किया और दे दी भाई। कितनी मुस्टैंग, ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, मुस्टैंग 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 मुस्टैंग, और पूरी मुस्टैंग ही बाय कर ली मैंने। इतनी ज़्यादा मुस्टैंग बाय कर ली है ना, मतलब मुझे मिल ही जा रही, जब भी मैं विलेज में आ रहा हूँ ना एक मुस्टैंग तो लेकर जा रहा हूँ। बाकी निसान GTR ऐसी वैसी कार है बट मुस्टैंग तो एक ना एक तो लेकर जा रहा हूँ। मुस्टैंग बहुत ज़्यादा बाय कर ली। ठीक है, अभी क्या कस्टमर भी आ गए मुस्टैंग को बाय करने। अपनी ये लास्ट वाली थी जिसको मैंने बाय किया था, 73,000 निकल जाए, इतने कम प्राइस में नहीं दे सकता। ओके वहाँ से एक और बंदा आ रहा है तो उससे ट्राई करते हैं अपन। ठीक है सर, आप इसको महंगे प्राइस में बाय कर सकते हो। तो ये कितने ऑफर करता है, 87,000 ऑफर कर रहा है, तो 95 में लेके चले जाओ, टाइम नहीं अपने पास। 95 में बिक गई, लास्ट टाइम मैंने कितने में बेचा था उसको, 1,05,000 में बेचा था, अभी 95 में बेच दिया, थोड़ा सस्ते में बेच दिया ऐसा लग रहा है। अभी क्या करते गए अपन, अभी अपन थोड़ा नहीं ऑक्शन जाते हैं। ऑक्शन में कोई ना कोई विंटेज कार इस बार आई होगी, देखते हैं अभी कौन सी विंटेज कार है या फिर कोई नॉर्मल कार है। मुझे थोड़ी महंगी कार बताओ यार, सस्ती कार खरीदने का मेरा मूड नहीं आज, कोई भी सस्ती कार में बाइक करना नहीं जाता। ऑक्शन में क्या होता है, पहले से सस्ती सस्ती कार आ जाती और बाद में आती कोई विंटेज कार, बहुत ज़्यादा महंगी आ जाती कभी कभी। और अभी आने वाली गाइस बहुत ही तगड़ी रियर कार, कोई ना कोई तगड़ी रियर कार आने वाली। ओके तो ये क्या आ गया, ठीक है टुक टुक आ गई यार, कितने 3-4 हज़ार में मिल जाएगा क्या? ठीक है नहीं बाय करना मुझे, इसके बाद में कौन सी कार आएगी पता नहीं। टुक टुक भी आता है यार ऑक्शन में, ये सब क्यों डाल रहे हैं आप लोग, मतलब क्या ज़रूरत क्या है ये सब की, क्या ज़रूरत है, कार लेके आ रहे बढ़िया बढ़िया वाली। ठीक है अभी देखते हैं इसके बाद में कौन सी कार आती है। ओके तो ये फरारी नहीं, होंडा यार, होंडा नहीं चाहिए मेरे को, होंडा ही है ना, फरारी जैसी लग रही है, नहीं होंडा ये डैमेज हो रखी है, नहीं चाहिए यार होंडा। कितने में मिलती है, नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 36,000 तक चली गई है, 40,000 तक तो जाएगी ये, पता है 44 तक चली जाएगी। और ये बिकती कितने में, 35 में बिकती, 40 के नीचे बिकती है, पता है ना, बहुत ही घटिया कार। और लास्ट में आ गई एक लैम्बोर्गिनी जिसको मैं अभी बाय नहीं कर सकता, 32 लाख। ओके ठीक है, बट आज मैं इसको बाय करने वाला हूँ, कितनी भी महंगी मिलो एक लैम्बोर्गिनी तो आज मैं बाय करने वाला हूँ। किसी भी हालत में कुछ भी होगा है ना, एक लैम्बोर्गिनी बाइक कर के रहूँगा। 32 लाख हो, 30 लाख हो, 25 लाख हो, 40 लाख हो, कितने भी हो, बट लैम्बोर्गिनी बाइक यार पे मैं जाऊँगा नहीं यार, घर पे मैं जाऊँगा नहीं। ठीक है अभी क्या करते हैं, इन कार को थोड़ा रिपेयर वेपेयर करवाते हैं, और इस कार को मैंने रिपेयर नहीं करवाता, इसको मैंने बस बाय करके लाया था। अभी क्या करते हैं इस निसान GTR को, निसान GTR नहीं मुस्टैंग यार, निसान GTR वहाँ पे खड़ी, इसको जल्दी से रिपेयर करवा के लाते, और कितनी महंगी बिकी। ओके ठीक है, वो कार वहाँ पे चली गई और मैं यहाँ पे कैसे रहेगा। अबे वो कार चली गई और मैं यहीं पर क्यों, अबे ये क्या बात हुई यार। ठीक है उसको वापस लेके आता हूँ मैं, एक मिनट, मैं यहीं से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, पता है क्या, वो कार ऑटोमेटिक कार है, पता है ना, वो बहुत तगड़ी ऑटोमेटिक कार है। देखो आ जाओ वापस आ जाओ, जिधर थी ना इधर वापस आ जाओ, चुपचाप से अपने पास में वापस आ जाओ, इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। ये टार्जन कार है, ये थोड़ी मैजिक कार है, टार्जन कार है, इसमें कोई हॉरर वर भूत वूत तो नहीं इसके अंदर। भाई किधर घूम के आई, तो किधर चली गई थी यार, ये थोड़ी हॉरर कार मुझे दिखाई दे रही है। ओके गाइस तो ऐसा किस किस के साथ होता है गाइस, जिसके साथ भी हुआ है ना मुझे कमेंट करके बता दो कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब मैं इधर खड़ा हूँ कार में कंट्रोल कर रहा हूँ बट वो घूम रही उसका अकेले अकेले। ओके गाइस तो अभी क्या करते हैं, अभी सीधा अपन निकलते गाइस विलेज में, फिर से विलेज में कोई ना कोई तगड़ी कार आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हो चुका है।
विलेज में मुझे क्या चाहिए, अभी स्पोर्ट्स कार चाहिए, मुझे नॉर्मल कार नहीं चाहिए, मुझे अभी लग्जरी कार भी नहीं चाहिए, मुझे कोई स्पोर्ट्स कार चाहिए। अभी देखते हैं विलेज में कोई स्पोर्ट्स कार है भी या नहीं है। और मेरे सामने मुझे एक और निसान GTR दिखाई दे रही, बट अभी मैं बाय नहीं करने वाला। निसान GTR मैंने बहुत सारी बाय कर लिया, अभी कोई निसान GTR और कोई मुस्टैंग नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा बाय कर रखी है। अभी मुझे चाहिए डॉज वाइपर मिल जाना सही रहेगा, मेरे पास में वैसे 2-3 डॉज वाइपर है, बट और एक आधी मिल जाना तभी सही मजा आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, जी वैगन खड़ी, जी वैगन नहीं चाहिए, बट BMW है बट नहीं चाहिए यार अभी, ठीक है। जी वैगन से थोड़ा ट्राई करके देखते हैं क्योंकि इसकी अच्छी प्राइस मिल जाती है। तो अभी इसको मैं एक ही प्राइस ऑफर करने वाला हूँ, 1,15,000 देना है तो दो बार ना निकलो, 1,15,000 अभी नहीं दे रहा है बंदा। 1,30,000 में बाय कर लूँ क्या, ठीक है कर ली मैंने, 1,30,000 में बाय कर ली, मुझे पता है महंगे में बिक जाती है, तो इसको सीधा 1,30,000 में बाय कर ली। यहाँ पे BMW नहीं चाहिए, वहाँ पे एक और क्या है, ओके एक और निसान GTR है, तो निसान GTR यार मैं नहीं करना चाहता था, बट कोई अच्छी कार आ ही नहीं रही तो इसको एक ही ऑफर करेंगे, 68,000 अगर दे देता है तो सही, अभी दे दी भी उसने, ठीक है। एक और निसान GTR बाय कर ली, मतलब दो कार ज़्यादा बाय की मैंने आज, एक तो मुस्टैंग या फिर निसान GTR, इतनी ज़्यादा बाय कर ली ना बहुत ज़्यादा, पर इसमें नुकसान नहीं होता यार फ़ायदा होता है, इसलिए तो मैं इसको बाय करते रहता हूँ। बट अभी क्या करते हैं, इनको बेचते हैं और सभी को बेचने के बाद एक आधी लैम्बोर्गिनी बाय कर लेंगे। लैम्बोर्गिनी के इतने अभी डॉलर तो वही नहीं मेरे पास में, पर धीरे धीरे हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप। और यहाँ पे कोई कार है भी नहीं, ओके मुझे लगा था यहाँ पे कोई कार मिल जाएगी तो मैं इस रास्ते से आया, बट यहाँ पे कोई कार मिली नहीं। अभी क्या करते हैं, इसको जल्दी से रिपेयर करवा लेते हैं, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी जो जी वैगन है ना, इसको बिना रिपेयर के बेच देता हूँ। वैसे मैं इसको इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, टाइम तो है बट मैं इसको वैसे ही बेचना चाहता हूँ क्योंकि इसको सेकंड हैंड प्राइस में मैंने लाया और इसको मैं थोड़ा सेकंड हैंड मतलब सस्ते प्राइस में बेचना चाहता हूँ। बहुत बेच ली गज, महंगी महंगी कार है, अभी थोड़े सस्ते प्राइस में भी बेचते हैं, ओके। तो अभी क्या करते गज, अभी अपने पास में वहाँ पे एक और डॉज वाइपर खड़ी, उसको मैं रिपेयर करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज। देखो इसको मैंने लगभग 6,00,000 में बाय किया था, अभी इसको थोड़ा रिपेयर वेपेयर करवाना पड़ेगा। अभी क्या करते, सबसे पहले इसको रिपेयर करवा के लाते, इस पर खर्चा कितना लगेगा, इसके महंगी प्राइस मतलब ज़्यादा पैसे मांगेगा पता है मुझे, जैसे इसने महंगी कार देखी ना ज़्यादा पैसे मांगता है, पता है अभी कितने मांगेगा पता नहीं, ठीक है देखते अभी कितने मांगता है। 5,000 तो मांगना चाहिए, देखते कितने मांगता है, ओके मुझे पता था महंगे तो मांगेगा, 5,000 तो इसने लगभग मांग ही लिए, थोड़े कम मांगे कोई बात नहीं। अभी जल्दी से इसको रिपेयर वेपेयर करवाते हैं और अभी इसको शोरूम पे पार्क करते हैं। और अभी मैं सभी डॉज वाइपर बेचने वाला हूँ, अपने पास में अभी 3 डॉज वाइपर है और एक आधी मिल जाए ना कोई स्पोर्ट्स कार तो एक साथ सभी बेच देंगे, तब होंगे गाइस अपने पास में ढेर सारे डॉलर। अभी तो थोड़े कम है बट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अपने डॉलर भी। ओहो दो दो कस्टमर आ रखे, ओके सर, ओके मैडम, अबे किधर जा रहे हो, अबे दोनों निकल ले यार, ये क्या बात हुई यार, दोनों निकल गए। कभी कभी तो लोग एक एक ही जाते थे, एक बंदा तो रुकता था वहाँ पे, अभी मैं आते ही मेरी शक्ल देख के दोनों निकल गए, क्या इतनी खराब है गाइस मेरी शक्ल, ऐसा तो नहीं यार, सही में यार दोनों भाग गए पता नहीं यार क्यों, ठीक है। इतनी महंगी कार लेके आए मैं और दोनों कस्टमर भाग गए, पचका कर दिया उन्होंने अपना, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट कस्टमर आ जाएंगे अपने। इतना लग्जरी शोरूम है गाइस, कस्टमर की कमी नहीं अपने को, देखो आ गए गाइस एकदम बिजनेसमैन बंदा आ गया, ठीक है। कितने प्राइस है बोलो आपकी, कितने प्राइस है, 1,32,000 बोल रहा है, निकलो वीर, इतने सस्ते में नहीं बेचते हम, सस्ते में बेचने बोला तो कि इतने सस्ते बोलेगा तू, अबे निकल जा, रुक मत उधर उधर रुक मत, कोई फायदा नहीं तेरा। ओके मैडम आपकी प्राइस क्या है, मुझे लगता है ये महंगी प्राइस बोलेगी, ये बंदी 71,000 बोली यार, क्या महंगी प्राइस बोली, 85 में लेके चला जाओ, टाइम नहीं अपना 85, अभी सस्ते में दे रहा हूँ यार, इतने सस्ते में दे रहा हूँ फिर भी वो बंदी नाटक करी, निकलो कोई फायदा नहीं तुम्हारा, तुमको नहीं मिलेगी ये कार यहाँ पे। तो उसी लड़की की सिस्टर यहाँ पर आ गई है, ओके जी वैगन बाय करने, ओके मैडम आपकी प्राइस कितनी, 1,21,000, अभी कौन थे गरीब हो गए खानदान से आते हो गए तुम, इतनी कम प्राइस कैसे बोलते हो, निकलो यार तुम भी निकलो। ओके सर अभी ना आप मुझे बताओ, वो एकदम तगड़ी प्राइस बोलने वाले, 1,38,000, क्या बंदे बोल रहे यार, 1,55,000 लेके चले जाओ, ओके सेटिस्फाई हो गया यार ये बंदा, 1,55,000 में भेज दिया मैंने उसको, रिपेयर भी नहीं करवाया था फिर भी अच्छे प्राइस में तो बिक गई यार, मतलब अच्छे प्राइस में मिलती है, ओके। तो अभी देखते हैं इसको ट्राई करते हैं, 88,000 रात होने वाली बेटा, ले ले बाय कर ले, ओके दोनों कार मैंने बेच दिया। और अभी क्या है मतलब सो जाते हैं क्या मस्त आराम से, ठीक है। तो अभी मैं सो ही गया हूँ मस्त, अभी क्या होने वाली मॉर्निंग हो गई गाइस अभी। और आज गाइस कार मार्केट भी ओपन है और कार ऑक्शन भी होने वाला है, सबसे पहले मैं कार मार्केट में जाने वाला, कार ऑक्शन 12 बजे होने वाला, तो 12 बजे अपन कार ऑक्शन में भी जाएंगे। बट अभी मैं कार मार्केट में आ गया, कार मार्केट से मुझे एक तो विंटेज कार मिलनी चाहिए, वैसे कार मार्केट में अभी आ रखी है नहीं, वैसे देखो यहाँ पे इसके पीछे मुझे कोई विंटेज कार दिखा दे रही, ओके लैम्बोर्गिनी अभी नहीं बाय कर सकता मैं बेटा, तुझे करूँगा मैं, इसकी प्राइस चेक कर ले दो एक बार, ओके 26,00,000, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं, ऑडी है वहाँ पे तो नहीं चाहिए यार, यहाँ पे कोई विंटेज कार है क्या,
अभी ये कौन सी है? ओके ओके ये मुस्टैंग है लगता है। ओके एक और मुस्टैंग, तो नहीं यार मुस्टैंग नहीं चाहिए अभी, अभी मुस्टैंग बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। और देखो बेटा ये क्या कार मार्केट था, सस्ती सस्ती कारें थी। एक कार मैंने वहाँ से फिर भी ये बाइक के लिए सस्ती थी, 10-12 हज़ार की कार मैंने बाइक के लिए मैंने घूमने के लिए। ओके तो यहाँ पर है गाइस निसान स्काईलाइन GTR, कहाँ छुपी थी तू, कितने दिनों से ढूंढ रहा था मैं तेरे को, फाइनली मिल गई। बट मैंने बेची है वैसे, बट ये वही कार है जिसको मैंने बेची थी, फिर से इसको बाइक कर लूँ क्या? 3,10,000 महंगे में पड़ रही यार ये, इतने महंगे मैंने 2.5 लाख में बाइक की थी मैंने लास्ट टाइम, अभी तो महंगे में पड़ रही यार। तो ठीक है यार ये क्या यार, नहीं यार बहुत महंगे में पड़ रही है। ओके मैंने क्या बहुत ही कम प्राइस डाल दी थी इस बार, तो ठीक है अभी जितने में थी ना उतने में बाय कर लिया, 3.5 लाख में बाय कर लिया, बहुत ज़्यादा महंगे में बाय कर लिया यार अभी, अभी ना बहुत महंगी पड़ेगी, पता नहीं अभी ये बिकेंगी या नहीं इतने में। वैसे मैंने इसको लास्ट टाइम ना 2.5 लाख में बाय किया था, और लगभग अभी मैंने जितने प्राइस में इसको बाय किया है ना उतने में बेचा था, और अभी मैंने उतने ही प्राइस में मैंने अभी इसको बाय कर लिया, अभी ये बिकेंगी कितने में पता नहीं, अभी ये लॉस में भी जा सकती है, मैं कह नहीं सकता कुछ, बट अपन लॉस में नहीं जाएंगे, जितने में प्राइस में बाय किए ना उससे 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा तो बेच ही देंगे। बट अभी आने वाला है रिपेयर का खर्चा अलग, क्योंकि ये कार डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है। ठीक है रिपेयर का खर्चा कितना, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है गाइज, 7,000 है गाइज, बहुत ज़्यादा है। ओके ठीक है बहुत तगड़ा लूट लिया है बंदे ने, वैसे इतने महंगे में मैंने इसको बाय किया, उसके बाद में इसमें खर्चा भी इतना महंगा लग गया, मतलब महंगी पड़ गई यार आज ये गाड़ी है ना, थोड़ी महंगी पड़ गई मुझे। मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो कार है ना ये आज थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ गई, ये बिकेंगी इतनी महंगी नहीं, उतनी महंगी मुझे पड़ गई है। कोई बात नहीं, एक आधा चलता है, एक आधा बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस होता है, बट मैं आज लॉस नहीं करने वाला, जितने में बाय किया है ना उससे 5-6 हज़ार तो एक्स्ट्रा बेच ही दूंगा। ओके गाइस अभी देखो गाइस अपनी डीलरशिप क्या लग रही गाइस, 3-3 डॉज वाइपर खड़ी है, उसके बगल में एक निसान GTR स्काईलाइन भी खड़ी है, यानी कि तगड़ी तगड़ी कार, अभी सभी को बेचूंगा ना तब मजा आएगा। तभी इन सभी कार को मैं सेल पे लगाने वाला हूँ, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगाने वाला हो, ठीक है 3 लाख मतलब 3.5 लाख में बाय किया मैंने इसको निसान GTR को, इसके लगाते 5,50,000। और अभी डॉज वाइपर की तीनों की एक ही प्राइस लगाने वाला हूँ, मैं सस्ता महंगा तो बाय किया है तो 10 लाख में सोच रहा था, बट ठीक है 9 लाख लगा देते, सभी की प्राइस 9 लाख लगा देते, 7 लाख 8 लाख में बिक जाए ना बहुत है गज, बहुत हो जाएगा सभी भी। ओके ठीक है उसके अलावा गज मेरे पास में अभी पड़ेगा 2,80,000, यानी कि इतने ज़्यादा नहीं है, बट ये सभी कार अगर मैं अभी सेल कर दूँ ना शायद मेरे पास में इतने डॉलर हो जाए कि मैं एक लैम्बोर्गिनी बाइक कर पाऊँ। ये चार कार है, चारों भी बहुत महंगी बिकने वाली, अभी देखते हैं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतनी महंगी बिकेगी क्या, ये बहुत कम हो रहा है, इसको नहीं दूंगा मैं 3,35,000 हो रहा है, इतनी सस्ती नहीं दे सकता मैं। अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, कोई और कस्टमर आ जाएगा, कोई तगड़ा वाला कस्टमर, कोई महंगी प्राइस बोलने वाला कस्टमर। और ये तीनों कार बेटा अगर ये तीनों कार 7-7 लाख में बिक जाए ना तो तीनों के हो जाएंगे गैस 21 लाख हो जाएंगे, सीधे 21 लाख हो जाएंगे अगर 7-7 लाख में बिकती है तो, पर पता नहीं बिकेगी या नहीं। और अभी 4 भी बज गया, मैं ऑक्शन के बारे में भूल ही गया था, मैं इधर उधर घूमते रहेगा। ठीक है क्या ऑक्शन में कोई कार बाकी या नहीं? ओके लगता तो ओके ठीक है, सारी कार चली गई बेटा, सभी कार बिक गई, एक भी कार मैंने देखने भी नहीं मिला ऑक्शन में क्या आने वाला था। ठीक है तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं, ठीक है अभी क्या करते हैं इन चारों कार को सेल करते हैं, उसके बाद में ये सस्ती सी कार है इसमें मैं घूम रहा हूँ यार, इतनी महंगी महंगी कार है मेरे पास में और इस सस्ती सी कार में घूम रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं चलता है कभी कभी घूमना पड़ता है। तो अभी मेरे शोरूम में एक साथ में इतनी तगड़ी तगड़ी कार है पहली बार बिक्री गई, वैसे एक बार मैंने एक लैम्बोर्गिनी बेची थी, एक फरारी भी बेची है, पर एक साथ में इतनी चार चार कार जो भी इतनी तगड़ी वाली मैं पहली बार बेच रहा हूँ। ठीक है ओके भाई साहब मुझे ये बंदा तो सही लग रहा है, तो ये क्या तगड़ी प्राइस बोलेगा, देखते कितनी बोलता है, 6,62,000 बोल रहा है, इसको मैंने 5.5 लाख में बाय किया, 7 लाख ले जा बेटा, बहुत तगड़ी प्राइस। ओके लेगी इसने 7 लाख में लेगी, ओके सही प्राइस में बिक गया, मैंने बोला था ये तीनों कार अगर 7-7 लाख में बिक जाए ना मेरे पास 21 लाख हो जाएगी, और पहली कार आराम से 7 लाख में बिक गई, यानी कि मैं दोनों कार ना और ज़्यादा महंगे प्राइस में बेच सकता हूँ यार। ठीक है ओके ठीक है मैडम आपकी प्राइस कितनी है? तो ये बंदी बोली 2,90,000, अबे 3.5 लाख में मैंने बाय की, पागल है क्या, इतनी सस्ती थोड़ी बेच सकता हूँ, 7,00,000 का खर्चा लगा हुआ है अलग से, मतलब इतनी महंगी कार है यार वो, इतनी कम बोल रही है यार वो बंदी। और आज मैं कोई भी कार लॉस में नहीं बेचने वाला, लास्ट 2 एपिसोड में मैंने बहुत सारी कार लॉस में बेची, बट आज नहीं बेचने वाला मैं, सही प्राइस में बेचने वाला वरना सीधा रिफ्यूज़ करने वाला हूँ, चले जाओ। देखो अभी कम बोल रही ना, सीधा इसको वापस बेच देते, अपने को सही प्राइस में बेचनी है, कोई भी कार मुझे सस्ते में नहीं बेचनी। तो अभी क्या करते, इसको लगा देते 18,000 में लगा देते, तो ये कार कौन सी इसको पता भी नहीं चला यार मुझे। ठीक है ओके ओके भाई साहब आप कितनी बोलोगे इसकी, सही प्राइस बोल दो यार, 6,24,000 बोल रहा है ये बंदा, 5 लाख में बाइक की, मतलब महंगी प्राइस तो बोल रहा है, बट इसकी प्राइस अगर 7 लाख, 7 लाख में लेनी है तो लो वरना निकलो, निकलो बेटा रुको मत इधर, एक भी मिनट मत रुको, निकल बेटा चुपचाप से निकल जा, 7 लाख में तो मैं बेचने वाला हूँ,
क्योंकि अपने को तगड़ी प्राइस चाहिए, अपने को ज़्यादा डॉलर कमाने अभी। तो ठीक है, एक बार क्या करता हूँ, मैं विलेज से घूम गया था, कोई कस्टमर आ भी नहीं रहा, 10 मिनट से मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। ओके, तो सामने एक लैम्बोर्गिनी भैया, ओके इसकी प्राइस चेक कर लेते। ओके मैडम, इसकी प्राइस कितनी, मैं इसको बाय करने वाला हूँ। ये रेड कलर में क्या लग रही है, 24 लाख है गाइस। अभी मेरे पास में 9,80,000 है, 9,80,000 है, मतलब अभी मुझे कितने चाहिए गाइस, अभी लगभग मुझे 15 लाख चाहिए। अभी मैं तीनों चारों कार बेच दूँ ना तो शायद मेरे पास में 15 लाख आ जाएंगे, मतलब हो जाएंगे गाइस, जितने मुझे चाहिए ना उतने हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये सभी कार बेच दूँ ना तो हो जाएंगे गाइस। ओके ठीक है, अभी निशान के लिए एक बंदा आ गया, तो इसके ट्राई करते हैं। 2,65,000 बोल रहा है, तो अभी नहीं यार, कम बोल रहा है, तो निकलो यार बेटा, क्योंकि 3.5 में मैंने बाय किए। ओके, तो अभी डॉज वाइपर के लिए एक और बिजनेसमैन वाला बंदा दिखाई दे रहा मुझे, तो ये बोल रहा है 6,89,000, तो इसको मैं सीधा 7,20,000 ऑफर करते, थोड़ा महंगा बेचने वाला हूँ मैं। ओके नहीं बोल रहा है बंदा, तो ठीक है निकल जाए यार, नहीं देना नहीं मुझे, मैं इसको अभी 7 लाख के ऊपर ही बेचने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता चल चुका है कि डॉज वाइपर है ना वो 7 लाख के ऊपर तो बिकी जाती, अभी निशान GTR कितने में बिकेगी। ओके ये बंदा, ओके 3,36,000 ऑफर कर रहा है, इसको मैं ऑफर करता हूँ, ले जा बेटा ले जा, 3,50,000 में लेके जा, नहीं बोल रहा है बंदा फिर भी। अब इसको मैं सस्ते में दे रहा था, फिर भी वो बंदा नहीं सुन रहा है, मतलब अपन कभी कोई सस्ते में देते ना बंदे सुनते नहीं। अभी ये बंदा कितने बोलेंगे, ओके बंदा आ गया बेटा सही, मतलब इसको मैं इतने में भी बेच दूँ ना मेरा फायदा तो हो जाएगा, 3,80,000 में लेके जा, 20-30,000 का फायदा हो गया। देखो मैंने बोला था ना मैं आज कोई भी नुकसान नहीं उठाने वाला, 20-30,000 का फायदा हो ही गया उसमें मुझे लगा था लॉस हो सकता है, बट फिर भी 20-30,000 का फायदा होगा। ओके एक बंदा आ गया डॉज वाइपर के लिए, तो ये थोड़े कम हो रहा है, 5,72,000 बहुत कम हो रहा है तू बंदे। ओके इसकी प्राइस है ना 7,20,000 फाइनल प्राइस, इससे कम में नहीं मिलती यार, ये बहुत महंगी कार है, निकल जा तू चुपचाप। तो अभी यहाँ पे एक दो लड़कियाँ खड़ी, ओके इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस 7,79,000, अभी इतनी महंगी कैसी बोलती, इसको मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, सीधा 8 लाख में बेच दूंगा, 8 लाख दो और लेके चले जाओ। ओके 8 लाख में बिकी, ओके इतनी महंगी बिकेंगी मुझे पता भी नहीं था, मैं इसको 7 लाख में बेचा लास्ट टाइम, और अभी सीधी 8 लाख में बिक गई बेटा, बहुत महंगी बिक गई। अभी गाइस मैंने दो डॉज वाइपर बेची ना, एक 7 लाख में बेची और एक 8 लाख में बेची, यानी कि दोनों के मिला के मेरे पास 15 लाख आ गए। अभी मैंने पास एक निशान भी बेच दिए, अभी लास्ट वाली डॉज वाइपर अगर बेच दूँ ना तो अपने हो जाएगा गाइस। ठीक है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वो कार चली गई तो नहीं, क्या अभी बिक रही है नहीं। ओके ठीक है, अभी मेरे पास में क्या है 21 लाख है, तो इसको ऑफर देके देखता है, 21 लाख में देगी नहीं लगता है ये, क्योंकि 24,61,000 है, 20 लाख में देना है तो दो वरना निकलो, 20 लाख में ऑफर कर रहा हूँ, पता है मुझे देगी नहीं फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, 20 लाख में दे सकती हो क्या आप, दे सकती हो मैडम, अबे दे दी 20 लाख में लैम्बोर्गिनी बाय कर ली। ओके अभी 1,60,000 बचे मेरे पास में, 20 लाख में बाय कर ली बेटा, वाह भाई वाह, 20 लाख में कर ली मैंने लैम्बोर्गिनी बाय, तो फाइनली गज फाइनली अपन ने लैम्बोर्गिनी बाय कर ली, इतनी मेहनत से आखिरकार एक लैम्बोर्गिनी बाय कर ली, मतलब लास्ट टाइम बाय की थी, और अभी मैं फिर से उतना अमीर हो गया कि मैं एक लैम्बोर्गिनी बाय कर पा रहा हूँ। तो 8 लाख अभी प्राइस बढ़ा दी, और ज़्यादा प्राइस बढ़ा दी, 8 लाख में ले सकते हो क्या, नहीं ले सकती। अभी लैम्बोर्गिनी यहाँ पे पार्क कर देते मस्त से, इतनी तगड़ी तगड़ी कार है अपने पास में। ओके मैडम आप कितनी बोलोगे इसकी प्राइस, 6 लाख, ठीक है तो इससे अपन ऑफर करते 7,50,000 ले लो यार, 7,50,000 सही थी यार, ठीक है थोड़ी बार्गिंग कर लेते इसके साथ में। अभी क्या है मुझे ना इसको थोड़ा सस्ते में बेच दूंगा मैं, 7,20,000, अबे नहीं बोली यार ये बंदी, चलो निकलो, 7,20,000 इतने सस्ते में दे रहा फिर भी नहीं बोली। ओके सर आप बोलो, ये बहुत सस्ती कार है। ओके ये 14,000 बोल रहा है, 15,000 में लेके जाओ, मैंने इसको 13,000 में बाय किया था, 2,000 का फायदा वो कार में भी मैंने कमा लिया, इतना घुमा फिरा मैं उसमें। अभी लास्ट वाली कार बची, बस अभी देखती इसको कितने में बिकेगी ये। अभी मैं चाहता हूँ कि ये कार भी 7 लाख के ऊपर बिक जाए, यानी कि 8 लाख में बिक जानी चाहिए, वो लास्ट टाइम मैंने एक कार 8 लाख में बेची थी। अभी देखती ये बंदा कितने ऑफर करता है, ये बंदा ऑफर कर रहा है 7,36,000 ऑफर कर रहा है, 7,70,000 दे दे और लेके चल जाओ। ओके बिक गई बेटा 7,70,000 में बिक गई, अभी मेरे पास में लगभग 10 लाख तो है गाइस, 10 लाख है, और ये है एक 20 लाख की कार, यानी कि 30 लाख का अपने पास में टोटल कलेक्शन है गाइस। मैंने बोला था आज मैं किसी भी तरह से 30 लाख तो कमा ही लूँगा, और 30 लाख अपने पास में हो गए, अभी इसको सेल करूँगा जिसको मैं सीधा 35 लाख में तो सेल कर ही दूंगा, मतलब इतने बिकेंगे या नहीं पता नहीं, पर 35 तो ट्राई करेंगे अपन इस पर। ठीक है तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।